वेल देखो और दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ A7 रॉयल पास के 1 से 100 RP के रिवॉर्ड्स के बारे में, उसकी कंफर्म रिलीज डेट के बारे में, उसके टाइमिंग्स के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। BGMI के नेक्स्ट मिथिक फौज के रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। BGMI के अंदर 3.2 का अपडेट कब आ रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं BGMI पबजी मोबाइल के अंदर आने वाला जो नया रॉयल पास है वो दोनों के अंदर A7 का है। जी हाँ, अगर आप लोग देखोगे तो BGMI के अंदर जो अभी A7 का रॉयल पास है ना, वो यहाँ पे दोस्तों अभी आने में तो टाइम है। आप लोग यहाँ पे इसका टाइमिंग वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आप लोग को 10/6 को दोस्तों देखने के लिए मिलने वाला। तो ये तो काफ़ी टाइम है भाई अभी BGMI के अंदर आने के लिए। बट दोस्तों अदर हैंड अगर मैं आपको पबजी मोबाइल का बताऊँ तो पबजी मोबाइल के अंदर जो ये रॉयल पास है ये आपको पहले देखने के लिए मिलने वाला है और वो है दोस्तों डेट 17th of May। अब दोस्तों यहाँ पे ये रिलीज डेट को देखकर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं 17th को, खास करके इंडिया के लोग गेम को ओपन करके चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों रॉयल पास आया कि नहीं आया। बट दोस्तों अगर आप लोग बगल में ब्रैकेट में चेकआउट करोगे तो वहाँ पर UTC+0 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि आप लोगों को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों इंडिया के अंदर जो भी लोग पबजी मोबाइल खेलते हो उसको दोस्तों A7 का रॉयल पास आप लोगों को 18 तारीख को सुबह में 7:30 बजे देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता दो आप लोग कौन से कंट्री रीजन से वीडियो देख रहे हो और आपके कंट्री में रॉयल पास जो है वो कौन सी डेट को आता है, आप लोग कमेंट कर देना। इससे क्या होगा ना कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर दोगे, एक दूसरे को हेल्प कर दोगे। जो भी लोग उस पर्टिकुलर कंट्री से होंगे उनको उनके मतलब कंट्री के हिसाब से रॉयल पास का रिलीज डेट पता चल जाएगा। अब दोस्तों अगर 1 से 100 RP के रिवॉर्ड के बारे में बात करूँ तो भाई मैंने आप लोगों को A7 रॉयल पास के जो रिवॉर्ड्स हैं ना वो दिखा के रखे हैं। 3.2 अपडेट के अंदर जो भी कमाल के फीचर्स आ रहे हैं, स्पेशल एबिलिटीज आ रही है, वो भी मैंने आपको बता के रखे हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लेना, दोनों ही वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग उसको डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना। और देखो दोस्तों मैंने आपको दोनों का ही रिलीज डेट बता दिया, जो अपना पबजी मोबाइल है उसके अंदर बहुत जल्दी आने वाला है और जो 3.2 का अपडेट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और दोस्तों अगर मैं आपको अगर घुमा फिरा के बात करूं तो भाई अगर आपको रिलीज डेट के बारे में बात करूं तो 13 दिन के अंदर, जी हाँ जो 13 डेज यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कस्टम क्रेड आपका यहाँ पे चल रहा है, कस्टम क्रेड जैसे एंड होगा आप लोग को 3.2 का अपडेट पबजी मोबाइल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, अब BGMI का रिलीज डेट के बारे में मैंने आपको कल या परसों वाली वीडियो में बताया, एक तरीके से कन्फर्म बताया। और BGMI का जो दोस्तों यहाँ पे रिलीज डेट होता है क्या मतलब फॉलो अप करता है, वो क्लासिक क्रेड जो रहता है ना, क्लासिक क्रेड जो लास्ट इस अपडेट का क्लासिक क्रेड है वो ये वाला दोस्तों आया जो कि 21 दिन के बाद जाने वाला है। तो इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि भाई जो नेक्स्ट 22वां दिन होने वाला है उसके अंदर आपको जो 3.2 का अपडेट है वो आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही अपडेट मैंने फिर से एक बार आपको रिपीट कर दिया, मेरे को करना नहीं था बट कोई ना, हो गया तो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो BGMI का नेक्स्ट मिथिक फॉर्ज है उसके अंदर क्या रिवॉर्ड आने वाले, क्या अपग्रेडेबल गन्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सबसे पहले जो आपका मिथिक फॉर्ज है ना, इसके अंदर यहाँ पर अपग्रेडेबल गन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगता है भाई। इनको अपग्रेडेबल गन्स को डालना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को पसंद होता है ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अपग्रेडेबल गन्स किसको पसंद नहीं होते भाई। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मिथिक फॉर्ज के अंदर ना कुछ रिवॉर्ड आपका इस बार चेंज होने वाला है। जी हाँ, जिसमें से एक जो रिवॉर्ड है ना, जी हाँ, वो एक तरीके से आप कंफर्म पकड़ के चलो, ये वाला दोस्तों आप लोग देखो, फ्योरेंस मैन सेट करके इसका नाम है। और भाई देखो इसका जो इमोट है ना, एक्सक्लूसिव इमोट, भाई तिल्ली लगाता है सामने में, आप देख पा रहे हो कि पूरा फायर मतलब भाई जल जाता है। ठीक है, और यही नहीं भाई, इसके कान से फुल धुआं मस्त निकलेगा भाई। जी हाँ, देखो यहाँ तो भाई काफ़ी क्रेजी दोस्तों ये आउटफिट है। बाकी दोस्तों जो इस बार एक्सपेक्टेशन है ना कि आपको अपग्रेडेबल गन्स देखने के लिए मिलने का, तो आपको यूजी का स्किन देखने के लिए मिल सकता है और ये यूजी का स्किन भाई बहुत पुराना है। यूजी का या फिर दोस्तों आप लोग का ये जो थॉमसन का स्किन है ना, ये स्किन भाई पबजी मोबाइल के बहुत सारी ऑडियंस के पास है। ठीक है, क्योंकि मिथिक का जो दोस्तों वो पॉइंट होता है ना, उससे लोग इसको बड़ी आसानी से रिडीम कर लेते हैं, जिससे भाई बहुत ही आसान हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो मिथिक फॉर्ज के अंदर जो रिवॉर्ड आपको देखने के लिए मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 2 अपग्रेडेबल गन्स और 1 मिथिक आउटफिट आपको यहाँ पे से पबजी मोबाइल के अंदर से कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख जाएंगे BGMI के अंदर। और जो दोस्तों पबजी मोबाइल ना, आप यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें दोस्तों जो पबजी मोबाइल के अंदर आ रही है ना, वो BGMI के अंदर भी ये लोग डाल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर क्लासिक क्रेड के बारे में बात करें, BGMI के पर्टिकुलरली क्लासिक क्रेड के बारे में, तो क्लासिक क्रेड दोस्तों आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे हो कि 21 दिन के बाद आने वाला है। तो जो 3.2 अपडेट का जो फर्स्ट क्लासिक क्रेड होने वाला है उसका फिलहाल के लिए लीक्स निकल के नहीं आया है। ठीक है, प्रीमियम क्रेड का लीक्स मेरे पास था तो मैंने आपको भाई दिखा दिया था और ये भाई 100% कन्फर्म हो गया और सेम प्रीमियम क्रेड जो मैंने आपको दिखाया वही BGMI के अंदर आ गया। जी हाँ, तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हारे भाई तुम लोगों के लिए लीक्स लेकर आता है तो भाई लाइक तो बनता है और लाइक करने से पता है क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने में मन लगता है भाई। ठीक है, तो मेक श्योर आप एक लाइक कर देना। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भाई जितने भी फीचर्स है, जितने भी दोस्तों रॉयल पास के लीक्स है, वो सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप जाके उसको चेकआउट कर लेना। और भाई देखो, अपडेट आने के दोस्तों एक दिन पहले ही आपका ये जो मोड है ना दोस्तों, स्काई हाई स्पेक्टिकल वाला, ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला मोड कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अब अल्टीमेटली हम लोग कर लेते हैं 10-10 UC का स्पिन एंड देखते हैं कि भाई अपनी किस्मत में क्या है, यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें देता है या फिर नहीं देता है। भाई ये वाला जो स्पिन है ना, इसके अंदर मेरे को कंटिन्यूसली 4 से 5 स्पिन से ना सिर्फ और सिर्फ ये लोग मेरे को जो है ना टोपी पहना रहे हैं, मतलब भाई पॉपुलैरिटी देके, ठीक है। अब एक सूट का भी क्रेट ओपनिंग हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं भाई कि यहाँ पे इस बार 10 UC पे अपने को क्या मिलता है। लास्ट टाइम तो अपने पास भाई मिथिक इमोट आ गया था, ठीक है, यहाँ पे एक सूट आ जाएगा तो भाई कमाल ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्रेजी चीज़ हो जाएगा भाई एक सूट आ जाएगा तो। एनिमेशन तो भयानक दिया है, लेकिन अरे भाई ये मिथिक आउटफिट निकल गया, एक सूट नहीं है ये भाई, ठीक है, शेव रॉयल सेट। अगर ये भाई एक सूट होता तो सच में मज़ा आ जाता थे। तो भाई 10 UC से मिथिक आउटफिट निकल जाना, इट्स अ ह्यूज थिंग भाई, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक मेरे को इसका कुछ हेडगियर वगैरह भी मिला था, तो ये सेट मेरा कंप्लीट हो गया जी। हाँ देखो, ये हेडगियर भी मिला था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख पा रहे हो, फिल लाइन फाइटर कवर। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो सेट है, यहाँ पे देख पा रहे हो, शोब रॉयल सेट, ठीक है। तो भाई इस बार तो अपना लक काफ़ी ओपी था भाई, 10 UC में मिथिक मिल जाना भाई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब चलिए भाई इतना स्पिन कर लेते हो तो ये सिरवा वाला भी स्पिन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई अपने को क्या मिलता है। सो लेट्स गो। यहाँ पे भाई ये लोग कुछ दे नहीं रहे मेरे को, हमेशा की तरह कॉइन चिपका देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो चैनल पर, पहली बार तो सब्सक्राइब करना। बाय गाइज़।